हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द परोथीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा बैगन। हाँ, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, मराठी स्टाइल है। मैंने बैगन को कट करके नमक के पानी में धो लिया है और मैं लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, नमक और धनिया दर दरा कूट ले रही हूँ। मैंने दो बड़े प्याज बारीक चॉप कर लिए है और इसमें मैं वो दर दरा कूटा हुआ हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। एक कटोरी के बराबर मैंने मूंगफली का कूट लिया है। कटोरी में मैंने सब मसाले ले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, ड्राई मैंगो पाउडर और थोड़ी सी शक्कर कटे हुए प्याज में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हो, और कटा हुआ धनिया भी डाला है। हाथ से अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने मसाला ऐसे ही रखा था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और बैगन में अच्छे से भरने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बैगन में अच्छे से दबा के स्टफिंग भरा है, चारों साइड से भरना है। पानी अच्छे से निचोड़ लेना है बैगन में से और मसाला अच्छे से स्टफ करना है। ये मसाला जो है ना, ये किसी भी सब्जी में बहुत टेस्टी लगता है, इसमें आप आलू भी बना सकते हो। यहाँ पे मेरे बैगन भर के रेडी है। ये सब्जी आप कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं आज कढ़ाई में बना रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, मैंने जीरा और राई थोड़ी ज़्यादा ही डालना है, राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बचा हुआ मसाला अच्छे से फ्राई कर लेना है तेल में। मसाला फ्राई होने के बाद भरे हुए बैगन इसमें एक एक डालना है। ये आप सिर्फ तेल में भी गला सकते हैं, अगर बैगन छोटे रहे तो ये तेल में भी गल जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है और थोड़ी देर बाद इसमें गरम पानी ऐड करें और ढक लें। 10-15 मिनट में आपकी सब्जी रेडी हो जाएंगी और इतने स्वादिष्ट लगते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय।